वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीएल उड़ाई की। उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ ये दिखाता है कि जहाँ एक तब इधर हानिया को पता चल जाता है पैसे के बारे में, तो वो जाती है सरफ के घर, लेकिन उसी के बीच में फट जाते है हानिया का ड्रेस, यानी कि इधर सरफ लेके आते हैं अपने घर और हानिया का ड्रेस चेंज करवाने के लिए। वही इधर सरफ की माँ मुन्नी बोलती है कि तू मेरे घर में कलेश कराएगा ना, यानी कि तुझे मेरी बात माननी है या नहीं। वही ये बात देख लेती है मेहर, और मेहर लेके आती है चक्कू और बोलती है कि तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी ये इस चीज की अल्जाम यही होगा। वो अपनी नस काट लेती है और गिर जाती है सरफ के भावों में। ये बात देख लेती है हानिया और पूरा सरफ का परिवार। वो इधर मेहर मांग रही होती है अपने मरने के हालत में सरफ से माफी, और क्या सरफ माफ कर पाएगा क्योंकि उसने बहुत बुरा किया है। मेहर ने बहुत बुरा किया है सरफ और उसके फैमिली के साथ, और की है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती। वही इधर देखने में मजेदार होता है कि क्या सरफ कर पाएगा माफ, और माफ करने के बाद क्या होगी वापिस शादी तय, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या सरफ करना चाहेगा महर से शादी, या इसमें होगा कुछ नया ट्विस्ट जहाँ हानिया और सरफ की होगी शादी। और दोस्तों ये भी है क्या महर बनेगी एक नई विलन, क्योंकि हम लोग को ये भी देखने मिल सकता है पुराने सीजन से कि जैसे तेजो और फतेह की हुई थी शादी और फिर बन गई थी जैस्मिन दुश्मन, तो वही इसमें ये भी देखने मिल सकता है क्या महर बनेगी विलन और आएगी हानिया और सरफ के रिश्ते में फिर से एक दरार डालेगी। सो दोस्तों देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। जब तक लिए थैंक यू।